एक बार भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ में विहार करते हुए एक छोटे से गांव में पहुंचे। गांव बहुत छोटा था लेकिन बहुत खूबसूरत था। भगवान बुद्ध देखते हैं कि वहां के लोग पानी लेने के लिए बहुत दूर जाते हैं। बहुत दूर एक नदी से पानी लेकर आते हैं जिससे उनका बहुत समय पानी लाने में खर्च होता है। तब भगवान बुद्ध ने उनको सलाह दी कि क्यों ना तुम गांव के अंदर ही कोई कुआं खोद लो, तो तुम्हें पानी के लिए ज़्यादा परेशान नहीं होना पड़ेगा, शुद्ध ताज़ा पानी मिलेगा और समय भी बचेगा। गांव के लोगों को भगवान बुद्ध की सलाह अच्छी लगी। भगवान बुद्ध के जाने के बाद में उन्होंने सोचा कि क्यों ना कुआं खोद ही लिया जाए। लेकिन गांव के लोगों के बीच में एक समस्या थी, उनके बीच में आपसी संबंध इतने अच्छे नहीं थे। जब कुआं खोदने की बात आई तो लोगों को लगा कि नहीं, हम इन लोगों के साथ में कुआं साझा नहीं करेंगे। किसी ने कहा कि नहीं, हम इसके साथ में कुआं साझा नहीं करेंगे। किसी ने कहा कि नहीं, हम इसके साथ में कुआं साझा नहीं करेंगे। और अंत में हुआ ये कि उस छोटे से गांव में 10-12 ग्रुप ऐसे बन गए, नहीं हम अपना कुआं अलग खोदेंगे। और हुआ भी यही, 10-12 समूह में लोग जो बट गए थे, सब ने कहा कि हम अपना अपना कुआं खोदेंगे और लोगों ने अपना कुआं खोदना शुरू कर दिया। कुछ ही समय में ये हुआ कि वो सारे जो कुएं खुद रहे थे, कोई 10 फीट कूदा, कोई 15 फीट कूदा, कोई 20 फीट कूदा, और इतने खुदाई होने के बाद में वो कुएं ना रहकर गड्ढे बनकर रह गए। कोई भी कुआं परिपूर्ण नहीं हुआ, किसी कुएं में पानी नहीं। कुछ वर्षों के बाद में जब भगवान बुद्ध वापस उस गांव में आए तो देखकर हैरान रह जाते हैं। वो देखते हैं कि आज भी गाँव वालों को पानी लेने बहुत दूर जाना पड़ता है, नदी से पानी लाना पड़ता है, और बहुत सारे गड्ढे देखकर वह आश्चर्य से भर गए। उन्होंने गांव वालों से पूछा कि यह क्या है, आप लोगों ने तो निर्णय लिया था कि आप कुआं खोदेंगे और कुआं आपका खुदा नहीं, और पानी के लिए आप अभी भी नदी पर निर्भर हैं। गांव वालों ने सारी बातें कि कैसे लोग अपना अपना कुआं खोद रहे थे और थोड़ा थोड़ा खोद कर बंद कर दिया। भगवान बुद्ध उनकी बातें सुनकर सारा मादरा समझ गए। तब उन्होंने लोगों से कहा, तुम अपने आपसी मतभेद भुलाकर एक कुआं खोदने की सोचते तो शायद आज तुम्हारे गांव में कुआं होता और पानी भी होता और तुम्हें इतना परेशान नहीं होना पड़ता। अगर तुम अपने व्यक्तिगत स्वार्थ को भूलकर सामूहिक दृष्टिकोण से सोचते, समाज के लिए, समुदाय के लिए सोचते, तो शायद आज तुम्हारे गांव में ये पानी की समस्या खत्म हो जाती। लेकिन तुम लोगों ने अपना स्वार्थ सोचा, अपने व्यक्तिगत सोच को ऊपर रखा, इसलिए आपके गाँव में कोई कुआं अभी तक नहीं खोद पाया, और तुम्हारे प्रयासों में भी कमी। व्यक्तिगत रूप से भी अगर तुम कुआं खोदना चाहते तो वह भी खुद जाता, लेकिन किसी ने 10 फीट खोदा, किसी ने 20 फीट खोदा, कुछ थोड़ा खोद कर थक गए, कुछ हार माना, और वो इसीलिए हुआ क्योंकि उसमें व्यक्तिगत प्रयास लग गए। अगर उसमें सामूहिक प्रयास लगता तो एक नहीं ऐसे 10 कुएं खोद जाते और तुम्हारे यहाँ पानी का भंडार हो जाता, तुम्हें पानी के लिए इतना परेशान नहीं होना पड़ता। भगवान बुद्ध की बात सुनकर लोगों को समझ में आ गया कि उन्हें क्या करना है। वह समझ गए कि सामूहिकता में ही ताकत होती है, संगठन में ही शक्ति होती है। मित्रों, ये कहानी हमें सीख देती है कि जब कोई सार्वजनिक सामुदायिक कार्य होता है तब हमें अपने व्यक्तिगत हितों को थोड़ा सा साइड में रख देना चाहिए और उस कार्य को पूर्ण होने में अपना सहयोग करना चाहिए, क्योंकि वह कार्य जब पूर्ण होगा तब हमारे जो व्यक्तिगत हित हैं वह अपने आप पूर्ण हो जाएंगे, क्योंकि हम भी उसी समग्र का हिस्सा होते हैं जिसके लिए वह कार्य संपन्न किया जा रहा है।